अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भाजपा सरकार ने यह तय कर लिया है कि हम बलात्कारियों को बचाएंगे। अपराध करने वालों के साथ खड़ी हो गई तो पीड़ित को कहां से न्याय मिलेगा। उसके पीछे कारण ये था कि सारे सबूत को मिटा दिया जाए। भदोही में बलात्कार होता है, आजमगढ़ में बलात्कार होता है, अभी कल की घटना है दो सगी बहनों के साथ और जौनपुर में बलात्कार हुआ है। भाजपा सरकार एक मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा ले आती है। आरोपित है, उनके समर्थन में सभाएं हो रही हैं। यह किस मानसिकता को दर्शाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम बात करेंगे हाथरस कांड को लेकर। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वाराणसी के श्योपुर विधानसभा से संजय यादव जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से हाथरस कांड पर सभी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा जिस तरह से राजनीति चल रही, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे, क्या हाथरस यही पूछ रहा है क्या बेटी, हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिस तरह से सरकार की वर्तमान रणनीति चल रही उसको लेकर क्या हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए, भाजपा सरकार में अब बेटियों को तो न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि भाजपा सरकार ने यह तय कर लिया है कि हम बलात्कारियों को बचाएंगे। तो जब वो अपराध करने वालों के साथ खड़ी हो गई तो पीड़ित को कहाँ से न्याय मिलेगा। आपने जिस तरीके से देखा कि हाथरस में 3 दिन तक तो मीडिया के लोगों को घुसने तक नहीं दिया गया, तो इसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे कारण ये था कि सारे सबूत को मिटा दिया जाए। जिस तरीके से SIT का गठन हुआ, SIT अभी तक जाँच की रिपोर्ट नहीं दे पाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने CBI को जो है कि रिकमेंड कर दिया लेकिन CBI अभी आज तक पहुँच नहीं पाई। तो संभव नहीं लगता है कि भाजपा सरकार में बेटियों को न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन बेटियों का बलात्कार, भदोही में बलात्कार होता है, आजमगढ़ में बलात्कार होता है, अभी कल की घटना है दो सगी बहनों के साथ और जौनपुर में बलात्कार हुआ है। तो कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार एक मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा ले आती है। जैसे किसान का मुद्दा था, किसान बिल ले आया गया, किसान सड़क पर उतर गया, तब तक ये हाथरस की घटना घटी तो सरकार ने अब किसानों का और आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए हाथरस को इतना मुद्दा बना दिया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय वह जो है आरोपियों के साथ खड़ी हो गई। अब आरोपियों के साथ खड़ी हो गई तो अब उसमें पक्ष और विपक्ष, आप देख रहे हैं जिस तरीके से उस गांव में आरोपित हैं उनके समर्थन में सभाएँ हो रही हैं, उनके समर्थन में जो नारे लगा रहे हैं, यह किस मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह से वहाँ के सांसद दोषियों से मिलने जाते हैं उसके बाद, और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं हाथरस के, तो जिस तरह से वीडियो जाति मानसिकता को दर्शाते हुए वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं इस लोकतंत्र में, उससे क्या लगता है कि क्या सरकार को उसको गहन से नहीं लेना चाहिए सर? सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है क्या? बेटी को इंसाफ ऐसे मिल पाएगा? देखिए, बेटी को इंसाफ तो मुश्किल है इस तरीके से मिलना। जिस तरीके से ये लोग BJP के सांसद जेल में जा कर के आरोपित से मिलते हैं, यह सीधे रूप से यह दर्शाता है कि आप पीड़ित पक्ष के लोगों को मानसिक दबाव से घेरना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने अभी तक वहाँ के DM को नहीं हटाया, यह क्या है? जो DM ने रात को लाश को जलवा दिया, यह किस हिंदू रीति रिवाज में है? बेटी के साथ दो दो बार बलात्कार हुआ, बलात्कार का मतलब है कि बलात्कार के साथ साथ उसके लाश के साथ भी बिना माँ बाप के आज्ञा के रात को आपने जो है कि उसकी लाश को 2:30 बजे जलवा दिया, ये भी तो एक तरीके का बलात्कार ही आपने किया। तो मानसिक रूप से आपने परिवार को तोड़ दिया है। जिस तरीके से DM साहब का वीडियो धमकाते हुए वायरल हुआ था, अब तक तो उनको सस्पेंड होना चाहिए था, उनको जेल में जाना चाहिए था, तो अब उनको जेल में कौन भेजेगा? भैया, सरकार आपकी, अधिकारी आपके, तो अब बेटियों को न्याय नहीं मिलने वाला है। हाँ, निश्चित तौर से आप देख लीजिएगा, जनता 2022 में इसका बदला लेगी, ये चाहे कितने भी मुद्दे भटका लें। निजीकरण के सवाल पर आप देख लीजिए, अभी जिस तरीके से बिजली विभाग के लोगों ने हड़ताल किया, सरकार बैकफुट पे आई, तो ये एक दूसरा मुद्दा ले आ देते हैं दिमाग भटकाने के लिए, क्योंकि इनका जो मुद्दा है वह भटकाने का ही मुद्दा है। जिस तरह से BJP के सांसद और जो आला अधिकारी हाथरस कांड में पीड़िता का दर्द, उसको पैसे से, इन्होंने सोचा कि पैसे से खरीद लिया, बोले आपको मकान मिल जाएंगे, आपको पैसे दे दिए जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? क्या इस तरह से एक बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? अगर ऐसे ही होता रहा तो जो मनचले हैं उनका मन बढ़ता रहेगा, फिर आने वाले समय में जिस तरह से एक निर्भया के बाद ये दूसरा निर्भया कांड हुआ।
तो क्या इंसाफ की परिवार कैसे उम्मीद जताए कि नहीं परिवार को इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये कौन सी सरकार चल रही है ये तो समझ से परे है कि आप जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है उसको आप पैसे का लालच देते हो, मकान का लालच देते हो, नौकरी का लालच देते हो, आप कितना उसको मानसिक प्रताड़ना देते हो और आप उसके घर को छावनी के रूप में तब्दील कर देते हो, किसी से मिलने नहीं जाने देते हो, मट्टी में उसके रिश्तेदार तक नहीं शामिल होने देते हो, तो ये तो बहुत घृणित मानसिकता है और बहुत दुख होता है कि राम राज की बात करने वाले लोग, अरे इससे अच्छा तो रावण था, कम से कम सीता की इज्जत को सुरक्षित तो रखा था, तो हम तो कहते हैं कि राम राज से अच्छा तो रावण का राज था कि कम से कम उसके राज में बलात्कार तो नहीं होता था, तो आप उससे भी गिरे हो गए। कैसे न्याय मिलेगा बेटियों को, कैसे न्याय मिलेगा छात्रों को, कैसे न्याय मिलेगा आपके जो है कि किसानों को, कैसे न्याय मिलेगा हमारे नौकरी करने वाले लोगों को? हर व्यक्ति तो पीड़ित है, छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान, कौन सुखी है इस सरकार में? तो भैया, इस सरकार को जल्दी से उखाड़ फेंके जनता, नहीं तो जो है कि सब लोगों को अब आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार रहती थी 2014 के पहले, तो जिस अगर जब निर्भया कांड हुआ तो बीजेपी की जो महिला सांसद हैं संसद भवन में जिस तरह से हंगामा करती थी, सड़कों पर जिस तरह से हंगामा करते, यहां तक मनमोहन सिंह को चूड़ियां तक इन्होंने भेजा। लेकिन जब निर्भया कांड हुआ था तो मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इलाज के लिए सिंगापुर भेजते, उसके बाद एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरा परिवार निर्भया के साथ रहता, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं दिखा। तो इसको लेकर क्या इनकी मंशा है, किस दबाव में चल रहे हैं, क्या बेटी इस तरह से जो पीड़ित परिवार है कैसे इंसाफ की उम्मीद करे कि नहीं वर्तमान सरकार से मुझे इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जो लोग पहले चूड़ियां भेजते थे आज चूड़ियां पहन के बैठ गए हैं, सीधा स्पष्ट दिख रहा है। कल जो चिल्लाने वाले लोग सदन में थे आज कहां हैं? तो इनसे न्याय की उम्मीद है ही नहीं है। ये तो खुद हत्यारी सरकार है, खुद बलात्कारी सरकार है। जब आरोपितों के साथ आप खड़े हैं तो फिर मैं कितनी बार आपसे कहूँगा कि न्याय नहीं मिलेगा? न्याय एक ही स्तर पर मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच इसको बैठा दिया जाए, उनकी निगरानी में ये सारी व्यवस्था बनाया जाए, तो हो सकता है कि एक उम्मीद कि लौ जल सकती है। बाकी पूरा देश इस घटना के साथ, पीड़िता के साथ खड़ा है और ये लोग आरोपियों के साथ खड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सड़क पे हाथरस जाते हुए अभद्रता की गई, राहुल गांधी का यहाँ तक कॉलर पकड़ा गया, धक्का मुक्की की गई, जमीन पे गिर गए, इतने बड़े लीडर को, लीडर के साथ अगर इस तरह की इस रवैया अपनाया जाता तो सरकार की मानसिकता को आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी मानसिकता है और लीडर लीडर होता है और लीडर के साथ इतनी अभद्र व्यवहार आपको प्रशासन के ताकत से नहीं करानी चाहिए, क्योंकि सरकारें हैं, वो आती जाती रहती हैं, तो इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए कि हम ऐसा न करके चले जाएं कि कल कोई अगर आपके साथ बदले की भावना पे उतर आए तो आप फिर उसको सहन न कर सकें। तो सरकार है, सरकार को स्थायी के रूप में सामान्य रूप से सबके साथ खड़े होकर के, आपका नारा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा कहाँ चला गया? नारा तो आपका खोखला हो चुका है। यहाँ तो सिर्फ आपको अपने लोगों का साथ देना है, पीड़िता का साथ न दे करके आपको जो है कि आरोपितों का साथ देना है, तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और आने वाली समय में 2022 में जनता इसको जो है कि अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी होकर के यह साबित कर देगी कि विकास अखिलेश यादव ही कर सकते हैं और छात्रों का और जो है कि ये जो बलात्कारी जो बलात्कार कर रहे हैं इनको से छुटकारा अखिलेश यादव ही दिला सकते। हाथरस की बेटी को समाजवादी पार्टी इंसाफ कैसे दिलाएगी? हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर संघर्ष कर रही है। आपने देखा, हम लोगों ने अपने शिवपुर विधानसभा में भी जगह जगह जो है कि कैंडल मार्च निकाला न्याय के लिए। भाई, हम विपक्ष में हैं, हम तो आपका ध्यान ही आकृष्ट करा सकते हैं और ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वह हम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उनके निर्देश पर हम सभी साथी खड़े हैं। तो सीधा साफ तौर पर संजय जी का कहना है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर हमेशा सक्रिय है और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन और कैंडल मार्च और निकालती रहेगी।